गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फाइव एवरीवन, टुडे ओपन योर इंग्लिश फर्स्ट बुक मीन्स इंग्लिश लैडर बुक पेज नंबर 119 फ्रॉम चैप्टर 16. स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी डन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर विद रेफरेंस टू द कंटेस्ट ऑफ दिस चैप्टर ड्यूरिंग योर ऑफलाइन क्लासेस. And before one day, we have already done write the full form of the following abbreviation. Exercise number E. Today, I am going to teach you pronunciation. Pronunciation means जो हम उच्चारण करते हैं, जो हम बोलते हैं. Okay? तो pronunciation is very important part of English, even Hindi also. मीन्स सही उच्चारण, जो भी हम बोलते हैं वो सही उच्चारण जो होना चाहिए वो अक्सर हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको राइट प्रोनंसिएशन किस तरीके से करना है वो एग्जैक्टली पता नहीं होता है. इसके लिए फोनिक जो साउंड होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए. जैसे क जो है वो के ए से बनता है, ख के एच ए से बनता है. तो ये जो फोनिक साउंड है ये हम सभी को क्लियर होना चाहिए. तो चलिए आज आपका यही जो पार्ट है पेज नंबर 119 एंड पेज नंबर 120 पे है जिसे हम डिस्कस करते हैं. ओके, स्पीक आउट दीज वर्ड्स. कह रहे कि स्पीक आउट दीज वर्ड, ध्यान दें. Listen, speak out these words. Out, about, out, about, ground, shout, loud, and mouse. Again, out, about, ground, shout, loud, and mouse. In these words, the vowel sounds glide from the O sound to U sound to give the A sound. A U A sound जो है वो देता है. कह रहा है कि इन दीज वर्ड्स, जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े, आउट, अबाउट, ग्राउंड, शाउट, लाउड एंड माउस, इसमें आप ध्यान दीजिए कि O और U दोनों जो साउंड है वो मिल करके ए यू साउंड मीन्स अ साउंड आता है. जैसे कि आओ, अबाओ, ध्यान दें, ग्राउंड, शाउट, लाउड एंड माउस. टर्न पेज. Now speak out these words. अब मेरे साथ speak बोलें another words. Soak, boat, close, own and both. देखिए अब इसके पहले हम लोगों ने जो sound पे ध्यान दिया वो था O और U sound जो है वो मिल करके A sound का देते हैं, और साउंड देते हैं. लेकिन यहाँ पर ओ और ए है, ये दोनों मिलकर के कौन सा साउंड दे रहे हैं, ध्यान दें. सो ओ की, बोट ओ, क्लोज ओन बोथ. ठीक है, नेक्स्ट. प्रैक्टिस सेइंग दीज वर्ड्स अलाउड. क्या कह रहा है कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, विच वर्ड्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 120, यू शुड स्पीक लाउड. अलाउड मीन्स बहुत तेजी के साथ आपको ये जो वर्ड्स हैं ये बोलने हैं. ऑल स्टूडेंट स्पीक विद मी अलाउड साउंड. बहुत तेज साउंड में आप इन्हें बोलेंगे. नंबर वन, लाउड. नेक्स्ट, लोड. नेक्स्ट,
found, next phoned, after that town, tone, now no, doubt, don't, house, home, again loud, load, found, phone, town, tone, now, no, doubt, don't, house, and home. Okay, now next, appreciating the poem. अप्रिशिएटिंग द पोएम, इसमें राइमिंग वर्ड्स आपको क्या करना है, इन एक्सरसाइज नंबर जी जैसे कह रहा है कि क्यूअर एंड शिवर, क्यूअर एंड शिवर आर पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, फाइंड एंड राइट फाइव मोर पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि आपकी पोएम जो है उसमें क्यूअर एंड शिवर आया है, आपको इसी तरीके से सेम पैटर्न यू हैव टू फॉलो एंड फाइंड आउट फाइव, एटलीस्ट फाइव पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, फाइव जो है राइमिंग वर्ड्स जो है पोएम से फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो यू नो इट कि वॉट इज राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड्स क्या होती हैं। राइमिंग वर्ड्स मीन्स कि पोएम के लास्ट में, पोएम के जब लास्ट जो लाइन होती है स्टैंजा में, जब लास्ट जो वर्ड होता है वो और उसके नीचे वाली अगर लाइन उसका जो लास्ट वर्ड है दोनों का साउंड जो है वो ऑलमोस्ट मिलता है। जैसे कि स्टैंजा नंबर वन, लुक केयरफुली स्टैंजा नंबर वन, शिवर एंड क्यूअर बोथ वर्ड में आप ध्यान दें, वी ई आर इसमें भी आया है एंड वी ई आर इसमें भी आया है, तो ये दोनों वर्ड्स हमारे क्या होंगे, ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, मिलते जुलते वर्ड्स। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टैंजा उसमें भी देखें, स्टेयर एस टी ए आर ई स्टेयर, एंड इन सेकेंड स्टैंजा फोर्थ लेन डेयर डी ए आर ई, तो देखिए ए आर ई इसमें भी आया है, ए आर ई इसमें भी आया है, आया है, तो ये दोनों वर्ड आपके क्या हो गए, राइमिंग वर्ड्स हो गए, स्टेयर एंड डेयर। नेक्स्ट, ड्रीम एंड स्क्रीन, ड्रीम एंड स्क्रीन, ध्यान दीजिए ड्रीम स्पेलिंग डी आर ई ए एम, इसमें आर ई ए एम इतना वर्ड, और सेम स्क्रीन में देखिए आर ई ए एम, ये इतने वर्ड्स एक साथ मिल रहे हैं, तो ये आपकी राइमिंग वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट, शिंक, शिंक एंड ब्रिंक, स्पेलिंग ऑफ सिंक एस आई एन के, शिंक बी आर आई एन के ब्रिंक, इसमें देखिए आई एन के इसमें आपको मिलेगा और आई एन के इसमें, बोथ वर्ड में आपको मिला, तो ये आपका नेक्स्ट राइमिंग वर्ड्स हो गया। नेक्स्ट, बी यू आर एस टी ब्रस्ट, बर्स्ट, बी यू आर एस टी बर्स्ट, बर्स्ट मीन्स फट जाना,
एंड लास्ट है डब्ल्यू ओ आर एस टी वर्स्ट. वर्स्ट मीन्स बहुत बुरा. इसमें देखिए आर एस टी इसमें भी और आर एस टी इसमें भी आपको मिलेगा और आर एस टी इसमें भी. तो ये आपकी राइमिंग वर्ड्स हो गए. लास्ट देखिए लास्ट वाला पेज. हाँ लास्ट स्टैंजा ऑन दिस पेज माउस एंड हाउस. नो डाउट यू हैव क्लियर माउस एंड हाउस आर राइमिंग वर्ड्स. दोनों में स्पेलिंग में ओ यू एस ई और ओ यू एस ई पूरी स्पेलिंग मिल रही है. तो ये आपकी राइमिंग वर्ड्स है. टुडे इन अ होमवर्क यू विल अनदर सर्च फाइव एट लीस्ट एक्स्ट्रा राइमिंग वर्ड ऑन पेज नंबर 117. आप 117 पर इस पोयम में 1, 2, 3, 4, 5 स्टेंजा है. इन 5 स्टेंजा में 5 राइमिंग वर्ड्स सर्च करेंगे एंड नोट डाउन इन योर इंग्लिश फर्स्ट कॉपी. आप इंग्लिश फर्स्ट की जो कॉपी है उसमें राइमिंग वर्ड्स जो है पुट करेंगे राइमिंग वर्ड्स एंड राइट राइमिंग वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सर्च इन बुक एंड आफ्टर दैट यू विल राइट इट इन योर नोट कॉपी. टिल दैन थैंक यू.